घर की होती सफाई और खान पान और रहन सहन में दिखलाई दे चतुराई। खान पान और रहन सहन में दिखला दे चतुराई। खान पान और रहन सहन में दिखला दे चतुराई। भाइयों, पत्नी जहां प्रसन्न रहे, बघर की हो सफाई, खान पान और रहन सहन में दिखलाई दे, शिक्षित नारी बच्चों को देती है योग्य बनाई। लड़कों को तो पढ़ाते ही हो, लड़कियों को शिक्षा में पीछे मत रखो। आज हम देख रहे हैं लड़कियों के साथ बड़ा पक्षपात हो रहा है। लड़की पैदा हुई, ये मालूम पड़ा पूरे घर को बुखार आ गया। भाइयों, लड़का पैदा हुआ, ढोल बज रहा, लड़कों का सम्मान जग में लड़की का सम्मान नहीं। नंगला भूल के हमें बता दो बेटी क्या ये साथ नहीं। नंगला भूल के भाई को हमें बता दो बेटी क्या ये साथ नहीं। नंगला भूल के हमें बता दो बेटी क्या ये क्या इंसान नहीं। पाताल में बैठे बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। पाताल में बैठे हमें बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। मेरे भाइयों, आज बेटी दिन ही दिन कम हो रही है, बेटियां दिन ही दिन कम हो रही हैं। सबसे ज्यादा कम लड़कियां हरियाणा में हैं। हरियाणा में 100 लड़का हैं तो 50 लड़कियां, इतनी कमी आई। राजस्थान में 100 लड़का हैं तो 58 लड़कियां, और उत्तर प्रदेश में कितनी कमी है लड़कियों की, 100 लड़का हैं तो 63 लड़कियां। अब हमें एक बात बताओ, ये 37 लड़का दूल्हा बन के बारात लेके कहां जाएंगे, जब इतनी कमी लड़कियों में दिन ही दिन हो रही है। हरियाणा में तो लड़कियों को मार देते, लड़की पैदा हुई उसके तालू में लंबी सी कील ठोंक दियो, कही जा भैया लेके आइए। वहां की बुढ़ियां इतनी कसाइन और निर्दयन हैं, लड़की पैदा हुई तो चारपाई के पाए से खोपड़ी रख करके उसके ऊपर बैठ गई, मार डाली। भाइयों, क्यों मारते लड़की, दामाद न ढूंढना पड़े, दहेज न देना पड़े। पंडाल में इतने बैठे हो, खड़े होकर के बताओ कि मेरे घर में 6 लड़कियां थी, हमें गरीब कर गई। कभी कोई बेटी गरीब नहीं करती है लोगों। बेटी बचाओ, बेटी न बची तो देश नहीं बचेगा, बेटियां न बची तो देश नहीं बचेगा। बेटी और वृक्ष, इनकी रक्षा न कर पाई तो निश्चित है ये देश गुलाम हो जाएगा किसी न किसी का।
बहुत गाड़ी आ जाती। भाइयों बेटियों को बचाना बहुत जरूरी है। हमारे घर में भी अभी 4-5 दिन हुए एक बेटी ने जन्म लिया है, बहुत बड़ी खुशी हुई। हमें 2 नातनी हो गई अब हमारी, बहुत बड़ी खुशी। और दोनों पत्नियों के चेहरा देखे तो बड़े खुश। मैंने कहा क्या हो गया बख्शा, मैं तो जेवर गायब हो गया क्या? तो भाइयों बेटी को हीन भावना से देखने वाले लोग बहुत बड़े अंधेरे में हैं। बेटी न बची तो देश नहीं बचेगा। और ये श्री धर्मेंद्र यादव जी ग्राम नगला दत्ती से गुरु जी को सोमपुत्र गांव से देकर के सम्मान करते हैं। भगवान धर्म के लिए इनके हाथ आगे बढ़ते रहे। मेरे भाइयों बेटी न होती तो हम और आप न होते, और हम और आप न होते तो हमारे तुम्हारे बाप न होते। ध्यान रखो, इसलिए बेटी बचाओ। भागवत सुनने आए हो, और बहनाओ तुम कैसी माँ हो जो अपनी बेटी को पेट में ही मार देती। याद रखो, अगर तुमने बेटियों की तरफ ऐसा व्यवहार किया तो 7 जन्म तक तुम्हें औलाद का मुंह देखने को नहीं मिलेगा। 7 जन्म तक हम देख रहे हैं इस गांव में भी बेटियां कम हैं, इस गांव में भी बेटियां कम हैं। गांव गांव में हम तो जाते हैं कथा कहने के लिए, गली में 10 बच्चे हैं तो 1-2 बच्ची नजर आ रही खेल रही। इतनी कमी आ रही बेटियों में। राजा उग्रसेन ने कभी अपनी प्राण प्यारी के दिल को नहीं दुखाया। एक दिन रानी पवन रेखा मासिक धर्म से निवृत्त होती हैं, स्नान करके कपड़े बदले 16 श्रृंगार करके आंगन में बैठ गई। तब तक महाराज उग्रसेन का पदार्पण हुआ। बैठी करके श्रृंगार आज सुकुमार सुनो मेरे भाई, जैसे घन में बिजली चमकी रे चमक के हाय रे। भैया जो महाराज आए हैं रानी ने अपने मुखड़ा को घूंघट के बाहर चमकाया। राजा ने दिल में यूं जानी बादल से चांद निकल आया। सुंदरता देखकर महाराज उग्रसेन मुस्कुरा गए और बोले गोरी आज बड़ा श्रृंगार करके बैठी हो, क्या इरादा है? रानी कहने लगी महाराज